हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट मेंस छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। सबसे पहले देखो, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखो, आप लोगों का बोनस अंक से कितने नंबर बढ़ने वाले, कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, क्योंकि आपत्तियाँ भी दिखाई गई हैं क्वेश्चन में और क्वेश्चन डिलीट भी किए गए, ठीक है। तो कब क्वेश्चन अगर डिलीट किए गए हैं और आपत्तियाँ भी दिखाई गई, तो अब जाके कट ऑफ कितनी रहेगी, और रिजल्ट की डेट भी आउट कर दी गई, कब रिजल्ट आएगा वो भी आपको बताएंगे। चलो भाई, देखो रीट में छात्रों के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के बोनस अंक पे। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि आप सभी को जो बोनस अंक वो 6 से 8 नंबर के आसपास तक बताया जा रहा है मिलेगा बोनस अंक, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चनों में आपत्तियाँ दिखाई गई, क्वेश्चन लेवल वन लेवल टू में डीड भी किए गए, ठीक है, सीधी बात है। और इस बार की जो कट ऑफ है यू आर और जनरल से जो कट ऑफ है 170 नंबर तक देखने को मिलेगी। और ओ बी सी के लिए बात कर लेते हैं तो आप लोगों की 100 यहाँ पे मान के चलिएगा 65, और ई डब्ल्यू एस के लिए बात कर लेते तो 160, और एस सी के लिए बात कर लेते तो 156 तक, एस टी की बात करें तो 152 तक। देखो यहाँ पे जो कट ऑफ क्या है कि लगभग अगर 5-6 नंबर कम है, जितने मैंने कट ऑफ बताए तो ठीक ठाक है, क्योंकि 5-6 नंबर आपके बोनस अंक से बढ़ सकते हैं या 5-6 नंबर मेरी कट ऑफ से कम ज़्यादा नंबर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसके आसपास अगर 5-6 नंबर ज़्यादा कम है तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर इससे बहुत कम है तो दिक्कत होगी। फिलहाल आप बता देते हैं आपका जो रीट का रिजल्ट है वो कब जारी होगा। 31 मार्च के पहले पहले रीट का जो रिजल्ट जारी करने की बात कही जा रही है, और जैसे अगर इसी चैनल पर अपडेट किया जाएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।